बुलंदशहर में बीती रात पुलिस ने एक 50,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बदमाश के पैर में एक गोली भी लगी है। आरोपी पर लूट, हत्या और डकैती के दर्जनों मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। सिकंदराबाद कोतवाली के सराय धांसी क्षेत्र के जंगलों में हुई मुठभेड़। दरअसल बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पकड़ा गया युवक रॉकी उर्फ लोकेश सिकंदराबाद के चर्चित नीरज हत्याकांड में वांछित चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी तो घेराबंदी कर रोकने की कोशिश की गयी, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गोली अपराधी के पैर में जा लगी। जब तक पुलिस संभल कर उसे दबोचती, उतने में ही उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगलों में फरार हो गया। इसमें दो बदमाश थे, पल्सर पर सवार, सूचना मिली। इसी तरीके से पहले से ऑलरेडी ये वांछित है, यहाँ सराय घासी में मर्डर में वांछित है, दिल्ली में लूट में वांछित है और काशने में डकैती में वांछित है। इसकी घेराबंदी की गई, सूचना मिली कि इधर से गुजर रहा है, चेकिंग चली रही थी क्योंकि मेला का टाइम था। उसका पीछा किया, इंस्पेक्टर साहब भी हमारे पीछे गए, उसके प्रयास किया, उसने फायर किया। फायर में पुलिस ने अपनी सेफ्टी में पुलिस ने भी फायर किया, जो उसकी टांग में उसकी गोली लगी, वो चार राउंड फायर हुआ है। सिकंदराबाद के सीओ ने बताया कि बदमाश पर हत्या लूट के भी दर्जनों मामले दर्ज हैं। दिल्ली से 37 लाख के फ्लिपकार्ट लूट और ग्रेटर नोएडा में डकैती में वांछित बताया जा रहा है। पकड़ा गया बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ है। बदमाश पर लगभग एक दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। तेज निगाह के लिए प्रिंस के साथ सिकंदराबाद से रिजवान अंसारी की रिपोर्ट।